हेलो और वेलकम गाइस, आज के इस वीडियो में पूरी बात करेंगे, यानी कि एक पूरा सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट का पूरा ये एसक्यूएल के ऊपर, एसक्यूएल व्यू में जाकर के किस तरीके से कमांड्स का यूज करके और हम एक सॉफ्टवेयर डेवलप कर सकते हैं, इसके बारे में समझेंगे। आइए देखते हैं कैसे करना है इसको। सबसे पहले यहाँ पर आना है और ये ब्लैंक डाटाबेस आपको दिख रहा है, यहाँ पे क्लिक कर दीजिएगा। क्योंकि ये माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस है तो यहाँ पर थोड़ा काम करने का तरीका अलग होता है, और हम आज बात करने वाले हैं एसक्यूएल व्यू की, तो थोड़ा और भी ज्यादा तरीका अलग हो जाएगा। तो यहाँ पर ही आ गया, अब टेबल्स को क्लोज कर लिया है, टेबल पे हमें जाना नहीं है, क्रिएट पे जाना है और यहाँ से जाना है क्वेरी डिजाइन पर। जैसे ही जाते हैं क्वेरी डिजाइन पर ना, तो आपको यहाँ पर ये इस तरीके से नजर आएगा। अब जब नजर आएगा तो आपको करना क्या होगा, यहाँ पे करना ये है कि यहाँ से आपको एसक्यूएल व्यू पे चले जाना है। ये आ गए, अब यहाँ पर आपको क्या करना है, अब यहाँ पर आपको टेबल बनाने के लिए क्रिएट कमांड यूज करना है। तो ये क्रिएट यूज किया हमने और क्या बना रहे हैं, टेबल बना रहे हैं, तो यहाँ लिख दिया टेबल, फिर टेबल का नाम, तो यहाँ पे स्कूल SCHOOL स्कूल मैनेजमेंट ये टेबल का नाम हमने दे दिया, ठीक है। और यहाँ पे ब्रैकेट को ओपन कर लिया और यहाँ पर क्या करना है, यहाँ पर सबसे पहला काम देना है आपको कि यहाँ पर जो है रजिस्ट्रेशन आईडी या आईडी करके दे सकते हैं आप, कुछ भी ऐसा दे सकते हैं। चलिए मान लीजिए हमने रोल नंबर दे दिया, तो ये दे दिया रोल नंबर, और रोल नंबर का डेटा टाइप इंट होगा। यहाँ पर मैं लिखता हूँ नॉट नल प्राइमरी की, क्या लिखूंगा, नॉट नल, यानी खाली नहीं छोड़ सकते, इस फील्ड को आप खाली छोड़ ही नहीं सकते, प्राइमरी की। तो ये हो गया, अब वही चीज जो आप माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस से करते हैं घुमा फिरा करके, वही चीज हम ऐसे भी कर सकते हैं, यानी कि जो है सीधा सीधा एसक्यूएल व्यू में आकर के भी कर सकते हैं, और यही आपको करना होता है, ठीक है। जब आप एसक्यूएल पर काम करते हैं तो इसी तरीके से आपको ये काम करना होता है, ठीक है। अब बात करते हैं आगे, तो यहाँ पे नेम ऑफ स्टूडेंट कर देते हैं। हर बार ये ध्यान रखिएगा कि बीच में गैप मत दीजिएगा, अंडरस्कोर जरूर लगा लीजिएगा, ठीक है। और यहाँ पे इसका डेटा टाइप मैं कर देता हूँ टेक्स्ट, फिर कॉमा लगाते हैं, फिर अगला फील्ड क्या आएगा। तो यहाँ पर कुछ हम जो है सब्जेक्ट तो हो गया, यहाँ पर नेम तो हो गया, सब्जेक्ट का नाम भी लिखते हैं और इसका डेटा टाइप मैं इंट लूंगा, और फिर दूसरा सब्जेक्ट आएगा, तो जो भी सब्जेक्ट आएगा उसका डेटा टाइप हमेशा आपको इंट रखना है, ये चीज ध्यान रखना है। टेक्स्ट वेयर कैर ये सब डेटा टाइप आपको मार्क्स देने के लिए नहीं रखना है, ये चीज ध्यान दीजिएगा, ठीक है। यहाँ पे मैथ्स कर देते हैं, तो ये मैथ्स हो गया। अब यहाँ पर इसका भी डेटा टाइप हमने मेंशन कर दिया इंट, ठीक है। अगर साइंस देना चाहते हैं तो यहाँ पे SCIENCE साइंस भी हो गया, और इसका भी जो है डेटा टाइप आपको मेंशन करना है, तो SCIENCE करके, और इसका भी डेटा टाइप इंट मेंशन कर दिया है। और अब आपको क्या करना है, यहाँ पे टोटल अगर करना चाहते हैं तो कर सकते हैं, लेकिन फिलहाल अभी टोटल नहीं कर रहा मैं, यहाँ से जाकर इसको टर्मिनेट कर रहा हूँ, टर्मिनेट करना समझ रहे हैं, सेमी कॉलन लगाना है, ठीक है। और अब आपको यहां से क्लिक करना है, कहां पर, ये रन बटन जो दिख रहा है ना, रन का ऑप्शन, यहां पे क्लिक करना है। तो जैसे ही क्लिक करेंगे तो यहां स्कूल मैनेजमेंट ये इस तरीके से आ जाएगा, आप सारी चीजें आपको यहां पे क्लियरली दिख रही होंगी, ठीक है। अब हम एसक्यूएल व्यू में ही इसमें रिकॉर्ड्स भी इंसर्ट करेंगे, यानी ये एक टेबल बन चुकी है, लेकिन आप देख सकते हैं इसमें कोई भी रिकॉर्ड इंसर्टेड नहीं है, ठीक है। तो यहां पर इसको सेव हमने कर लिया है, और इस भी क्वेरी को सेव करेंगे, तो यहाँ पे टेबल क्यू के नाम से सेव करता हूँ, टेबल क्यू, इस टेबल का नाम हो गया टेबल क्यू। देख सकते हैं किस तरीके से ये टेबल क्यू मैंने लिखा है नाम और इसे सेव कर दिया। अब इसको क्लोज करते हैं, ये जो क्वेरी बनी हुई है। अब क्या करना है, अब आगे हमें बात करनी है, ठीक है। अब क्योंकि टेबल तो बन चुका है, ठीक है, तो यहाँ पर एक और हम क्रिएट पे चल के क्वेरी बना लेते हैं, तो ये क्वेरी डिजाइन पे आए और फिर यही एसक्यूएल पे आ जाएंगे। अब हमें सेलेक्ट कमांड का यूज करना है, तो ये लिखा सेलेक्ट, और यहाँ पर जो है जो भी आप सेलेक्ट करना चाहते हैं एस्टेक लगा के सेलेक्ट करेंगे फ्रॉम, और फिर कहाँ से सेलेक्ट करना है, तो स्कूल मैनेजमेंट नाम है हमारे जो सॉफ्टवेयर है उसका नाम है स्कूल मैनेजमेंट, जो हमने टेबल बनाया है उसका नाम है स्कूल मैनेजमेंट, तो स्कूल मैनेजमेंट इस तरीके से दे दीजिएगा, और यहाँ पर टर्मिनेट करिएगा तो आप सेलेक्ट भी कर पाएंगे। तो देखिए यहाँ पर अब क्या करना है, इसको यहाँ से रन पर क्लिक करना है, तो देखिए वही चीज सेलेक्ट होके आ रही है, लेकिन यहाँ पर हम थोड़ा सा डिफरेंट करने वाले हैं। क्या करने वाले हैं, सेलेक्ट करेंगे और फिर यहाँ पर जो है उन तमाम फील्ड्स की बात करेंगे जो हमने यहाँ पे लिए हैं, यानी रोल नंबर, फिर नेम ऑफ स्टूडेंट, ठीक है, फिर यहाँ पे कंप्यूटर, इस तरीके से तमाम अलग अलग सब्जेक्ट्स की बात करेंगे, ठीक है। तो ये हो गया रोल अंडरस्कोर नंबर, तो जैसे यहाँ पर दिया गया है ना बिल्कुल उसी फॉर्म में आपको लिखना है, ये चीज आपको ध्यान देना है कि बिल्कुल उसी फॉर्मेट में आपको लिखना है, रोल नंबर हो गया, ठीक है, फिर नेम अंडरस्कोर ऑफ अंडरस्कोर स्टूडेंट, ठीक है, तो ये नेम ऑफ स्टूडेंट हो गया, फिर कॉमा लगा दिया हमने, फिर यहाँ पर देखिए अगला फील्ड जो है कंप्यूटर है, तो यहाँ पे हम दे देंगे कंप्यूटर, तो COMPUTER कंप्यूटर हो गया, फिर कॉमा लगाइए और कॉमा लगाने
और यहां पे अगला है आपका इंग्लिश फिर मैथ्स है, तो यहां पर इंग्लिश कर देते हैं ENGLISH फिर कॉमा मैथ्स MATHS और फिर साइंस है शायद SCIENCE साइंस करते हैं, देखते हैं साइंस ही है ना, तो देख लीजिए यहां पे साइंस ही है, बिल्कुल सही है। अब क्या करते हैं, अब यहां से इसे क्लोज करना है, क्लोज करके क्या करेंगे, देखिए ये तो हमने कर लिया है लेकिन हम एक नई क्वेरी बना रहे हैं जिसमें कि हम टोटल भी कर पाए, तो यहां पे कॉमा लगा करके ब्रैकेट को ओपन कर लीजिएगा, ठीक है। ब्रैकेट को ओपन करने के बाद इन सब को हम क्या करते हैं, क्योंकि हमको बारी बारी से लिखना है तो लिखने में टाइम वेस्ट करने के बजाय हम एक काम करते हैं, इन सबको यहां से कॉपी कर लेते हैं, ये फायदा यहां पे मिल जाता है हमको माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस के अंदर, और इन सबको जोड़ लेना है, यहां पे ऐड कर लेना है। ऐड करने के लिए हम प्लस का साइन लगाते हैं, ठीक है, ये तो आपको पता ही है कि हम प्लस का साइन लगा करके ही ऐड करने का कार्य करते हैं, ठीक है। तो यहां पे ये प्लस का साइन लगाया और ये ऐड कर दिया हमने, अब इसको बंद किया और इस फील्ड को नाम दे देंगे एज टोटल मार्क्स, ठीक है। तो यहां पर इस फील्ड को नाम दे दिया है टोटल मार्क्स, और ये आएगा कहां से, तो ये आएगा आपका जो है फ्रॉम स्कूल मैनेजमेंट तो है लेकिन स्टूडेंट मैनेजमेंट तो है ही नहीं, तो शायद आप नाम चेक कर लीजिए। तो यहां पर देखिए अब ये सही हो गया, अब यहां से जाकर के इसको रन पे क्लिक करिएगा तो ये रन हो जाएगा, ठीक है, ये रन हो जाएगा। तो इससे ये फायदा होगा कि यहां पे जो भी आप मार्क्स एंटर करेंगे ना वो सारा जो है ऑटोमेटिक ये सम करता चलेगा, आप कैसे सम करता चलेगा वो भी दिखाऊंगा, लेकिन इससे भी पहले अब ये तो एक और क्वेरी हो गई हमारी सम वाली, ठीक है, हम यहां पे सम करेंगे तो यहां पे मैं ऐड क्यू कर देता हूं ऐड क्वेरी, लेकिन इसमें कुछ रिकॉर्ड्स भी तो इंसर्ट कराने होंगे तो इसके लिए हम एक अलग से क्वेरी बना सकते हैं। तो यहां पे जाकर के फिर क्वेरी डिजाइन पे जाकर के और ये पुरानी क्वेरी को क्लोज करेंगे और यहां पे नई क्वेरी बनाएंगे, ठीक है। तो अब यहां पर क्या करना है, तो यहां पे अब हमें इंसर्ट कमांड चलाना है, तो यहां पे लिखेंगे इंसर्ट इनटू और टेबल का नाम आपको देना है, तो टेबल का नाम है स्कूल मैनेजमेंट, ये ध्यान दीजिएगा स्टूडेंट मत कर लीजिएगा, स्कूल मैनेजमेंट, ठीक है। तो ये हो गया स्कूल मैनेजमेंट, ठीक है, MENT होगा, यहां पे ई छूट गया, ये हो गया। अब देखिए स्कूल मैनेजमेंट के अंदर इंसर्ट कराएंगे तो इसमें कौन कौन से फील्ड आएंगे, तो इन्हीं फील्ड्स का नाम आपको डालना है, ठीक है। जैसे रोल नंबर है पहला, तो आप यहाँ पे ब्रैकेट को ओपन करके यहाँ पे डाल दीजिए रोल अंडरस्कोर नंबर, ठीक है, तो जैसे लिखा गया है बिल्कुल वैसे ही लिख दीजिए रोल अंडरस्कोर नंबर, एक बार चेक करते हैं रोल नंबर है तो NO केवल लिखा हुआ है तो हम भी NO ही लिखेंगे, ठीक है, ये NO हो गया। अब फिर क्या करना है, कॉमा लगाना है, कॉमा लगा करके अगला फील्ड जो है वो चेक करना है, तो यहाँ नेम ऑफ स्टूडेंट है तो हम भी नेम ऑफ स्टूडेंट दे देंगे, ये लिखा नेम अंडरस्कोर ऑफ अंडरस्कोर स्टूडेंट, ठीक है, तो ये लिख दिया नेम ऑफ स्टूडेंट। अब क्या है, तो अब अगला सब्जेक्ट आएगा, तो पहला सब्जेक्ट क्या है हमारा, तो पहला सब्जेक्ट है कंप्यूटर, ठीक है, तो यहां पे कर दीजिए कंप्यूटर COMPUTER कंप्यूटर हो गया, कॉमा लगाइए, कॉमा लगाने के बाद अगला सब्जेक्ट क्या है, तो यहां इंग्लिश है तो यहां पे कर दीजिए ENGLISH इंग्लिश हो गया, फिर कॉमा लगाइए, कॉमा लगा करके यहां पर देखिए ये अगला जो है मैथ्स है और साइंस है, तो यहां पर मैथ्स करिए MATHS और फिर यहां पे साइंस SCIENCE साइंस हो गया, ठीक है, और इसको बंद करना है, अब इसको बंद करिए और आप एंटर करके नीचे आ जाइए क्योंकि इसमें वैल्यूज भी डालना है, तो यहाँ पे वैल्यूज करिए। और अब यहाँ पर समझने वाली बात है क्योंकि रोल नंबर का जो डेटा टाइप हमने लिया था उसी के हिसाब से ये काम करेगा, तो रोल नंबर का डेटा टाइप शायद हमने इंट लिया था और यहाँ पर क्या करना है, वन देना है। देखिए ये नंबर है तो नंबर को आप न तो सिंगल डॉटेड कॉमा में लिखेंगे न तो डॉटेड कॉमा में, ये चीज ध्यान दीजिएगा, और यहाँ पे आप चाहे तो सिंगल डॉटेड कॉमा या डॉटेड कॉमा का यूज कर सकते हैं, जबकि आप स्टूडेंट का नेम एंटर करवाना चाहें तो स्टूडेंट का नेम यहाँ पे हिना एंटर करता हूं मैं, ये एक स्टूडेंट का नेम है, ठीक है, और इसे मैंने सिंगल डॉटेड कॉमा में एंटर किया है, देख सकते हैं आप, कॉमा लगाया फिर कंप्यूटर के मार्क्स, तो जो भी मार्क्स आएंगे ना वो तो आपको बिना डॉटेड कॉमा या सिंगल डॉटेड कॉमा के ही लिखने हैं, ठीक है, तो जो मार्क्स है उनको बिल्कुल ऐसे ही लिख दीजिएगा, कहीं कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो ये तीन सब्जेक्ट के मार्क्स हुए और यहाँ पे चौथे सब्जेक्ट का मार्क्स आ गया, और ये आने के बाद इसको बंद करके और यहाँ से टर्मिनेशन दे दीजिए, टर्मिनेशन देने के बाद अब इसको चलाना है, तो पहले तो स्कूल मैनेजमेंट ये जो ओपन है इसको क्लोज करिएगा और क्लोज करके यहाँ से क्वेरी डिजाइन पे जाके इसको रन करवा दीजिएगा। तो कह रहा है यू आर अबाउट टू अपेंड वन रो, आप एक रो को अपेंड करने जा रहे हैं, तो हो गया एक रो अपेंड, ठीक है। अब हुआ कि नहीं हुआ ये कैसे पता चलेगा, तो यहाँ पर देखिए यहाँ पर ये हो चुका है, ठीक है, स्कूल मैनेजमेंट में जब हम आते हैं तो आप देखेंगे कि ये हो चुका है। अब जब ये हो जाएगा तो पहले तो हम इस क्वेरी को भी सेव करेंगे, तो यहाँ से जाकर के और इंसर्ट रिकॉर्ड क्यू कर देते हैं, इंसर्ट रिकॉर्ड क्वेरी, तो इसको भी सेव कर दिया। अब इन सबको क्लोज करते हैं, तो बस क्लोज करिए और फिर यहाँ से जब आप आएंगे ना ये एड क्यू वाले में, तो यहाँ पे देखेंगे कि ये टोटल मार्क्स भी कैलकुलेट होता हुआ नजर आएगा,
तो अब खाली आपको करना क्या है, जैसे ये इंसर्ट रिकॉर्ड वाले क्वेरी में आते हैं वापस, ये आ गए। अब हमको खाली क्या चेंज करना है, यहाँ पे रोल नंबर चेंज करना है। ठीक है, देखिए बहुत आसान हो गया काम। अब यहाँ पे टू किया और रोल नंबर टू वाले स्टूडेंट का नाम क्या है, तो जो भी नाम होगा वो यहाँ पे दे दीजिए आप। जैसे मान लीजिए राजेश नाम है तो यहाँ पे राजेश कर देते हैं, और यहाँ पर जो है मार्क्स इनके जो भी आए हो तो ये 54 हो गया। यहाँ पे जो मार्क्स आए होंगे उनको चेंज कर लीजिएगा। ठीक है, और अकॉर्डिंग टू जो है जो भी आपने दिया होगा उसी के अकॉर्डिंग यहाँ पे सारी चीजें फीडिंग हो जाएंगी, और फिर एक बार इसको चला देना है। ठीक है, क्या करना है, चला देना है। तो यहाँ पे एड क्यू को क्लोज करता हूँ सेव करके, और अब इसको चला देते हैं यहाँ से क्वेरी डिजाइन पे जाके इसको रन करवाते हैं। तो कह रहा है, फिर कह रहा है कि यू आर अबाउट टू ओपन वर्ड रूट, तो बस हो गया। अब जब इसमें आएंगे तो आप देखेंगे कि यहाँ पे दोनों रिकॉर्ड आ गए हैं, और जब वापस से आएंगे एड क्यू वाले में तो देखिए दोनों रिकॉर्ड्स का टोटल भी होता हुआ नजर आ रहा है। तीसरा रिकॉर्ड कराना इंसर्ट, तो फिर वही काम कि यहाँ पर चेंजेस आप कर लीजिए थोड़ा सा। ठीक है, तीसरा भी रिकॉर्ड इंसर्ट करा के दिखा देता हूँ ताकि आपको कोई दिक्कत ना हो। तीन रिकॉर्ड इंसर्ट करा लेंगे तो फिर यहाँ पर एक और नाम रानी लिख दिया हमने यहाँ पे, और यहाँ पे मार्क्स जो भी आए हो उनमें आप परिवर्तन कर लीजिए, जिनका जो भी आया हो यहाँ पे दे दीजिए, कहीं से कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पर ये हो गया। और मान लीजिए कि यही मार्क्स रहा हो तो यहाँ से आप इसको क्लोज करेंगे पहले स्टूडेंट मैनेजमेंट को, और अब ये जो इंसर्ट क्यू है यहाँ पर जाकर के और यहाँ पे जाकर के आप देखिए ये तीसरा रिकॉर्ड भी अपेंड हो गया इसमें। ठीक है, यानी अगर हम एड क्यू पे आते हैं तो आपको तीनों यहाँ पर टोटल के साथ होते हुए सारे रिकॉर्ड्स दिखाई पड़ेंगे। तो देखिए बहुत आसान है और प्रैक्टिकल के लिए तो काफी हेल्पफुल है। तो आई होप कि आपको पूरी बात क्लियर हो गई होगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो इसे शेयर जरूर कीजिएगा, और साथ ही साथ कोई सवाल हो तो कमेंट बॉक्स में जरूर पूछिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।